नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। इसको हम चुना माछ बोलते हैं उड़िया में। ये आज हम हमारे गांव के मार्केट से सुबह लिए थे, बहुत ही फ्रेश था। इसको हम अच्छा सा क्लीन करके धो देंगे, फिर इसको बनाने के लिए मसाला ऐड करेंगे। चुना माछ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है, आप भी इसे अपने घर में बना के ट्राई कीजिए। अगर ये फ्रेश मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। ये फिश दिखने में थोड़ा सा नेथिली फिश के जैसे दिखता है। ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, इसको अब हम धो के रेडी करेंगे। अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और क्लीन भी हो चुका है। खाने के टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तावा में रख के इस पे हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक कुटा हुआ। स्वाद के अनुसार इसमें सॉल्ट डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर अब ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर आपको कितने तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्ची पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा मीट मसाला भी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे ताकि मिक्स करने के लिए इजी होगा। फिर इसमें सूखे मिर्च थोड़ा डाल देंगे। फिर अब इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको तावा में थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि ये अच्छा सा पक जाए। ये अब तावा में सेट है। इसमें अब हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे जरूरत के हिसाब से और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही डिलीशियस भी होता है। आप ज़रूर अपने घर में ये ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ शेयर कीजिए आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी कमेंट बॉक्स में। इसको अब हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से ठीक से पक जाए। ये दिखने में ही बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हो और चिप्स के जैसे भी बैठ के आराम से खा सकते हो। अब ये लगभग पक चुका है, इसको हम और थोड़े देर में निकाल देंगे। ये अब हमारा रेडी हो गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया हमारा रेसिपी तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।